अल्मोड़ा में फायर सीजन के बीच वन सरपंचों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वन सरपंचों ने फायर सीजन में वन विभाग का सहयोग करने से मना कर दिया है, जिससे वन विभाग को जंगल में आग की घटनाओं से निपटने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 2100 से अधिक वन पंचायतें हैं। वर्तमान में शासन ने सभी वन पंचायतों ने लीसा दोहन और सूखे गिरे पेड़ों की नीलामी पर रोक लगाई है, जिससे वन सरपंच नाराज हैं। वन सरपंच संगठन का कहना है कि इस निर्णय से वन पंचायतों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही जो पेड़ सूख गए हैं या फिर गिर गए हैं वह जंगलों की आग से नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने रोक हटाने की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। कार्रवाई में क्या बोलते हैं, हमारा तो ये कहना है कि अगर ये हमको सुविधाएं नहीं देते हैं तो हम इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है, आप उप प्रधान को प्रधानों को मानदेय दे रहे हैं, हमारे सरपंच और पंचों को दे दें तो क्या बुरा है। उनको अगर कुछ मिलेगा तो वो एक्टिव रहेंगे, कार्य करेंगे। और नौ सरपंच हैं हमारे यहाँ, नौ पंचों में से अगर उनको जो बाहर पैसा दिया जा रहा है अन्य उनको एनजीओ वगैरह को, उनकी बजाय अगर वन पंचायत में डालें तो वो तीन तीन घंटा ड्यूटी में करेंगे तो आग कैसे लगेगी।